हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज साउंड वेव्स। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल आवर ऑडिबल साउंड। सो हम जो भी साउंड सुन पा रहे हैं उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जो रेंज है, दैट फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मतलब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन एयर है, वो इतनी रेंज तक ही जो आवाज़ होगी वो सुनाई देगी। तो इतनी फ्रीक्वेंसी की रेंज तक हमें सुनाई देगी, इसके नीचे मतलब कि 19 हर्ट्ज और इससे ज़्यादा, तो इससे कम और इससे ज़्यादा वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ है वो हमें नहीं सुनाई देने वाली। क्लियर? तो ये सिर्फ हमारे जो ह्यूमन ईयर है वहाँ तक ही सीमित है। दूसरी बात कि जो साउंड वेव्स है इस रेंज को हम लोग बोलेंगे ऑडिबल। क्लियर? अब सपोज अवर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दिस फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे, इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। लेस देन 20 हर्ट्ज इट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक, एंड द फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देने वाली नहीं है। क्लियर? तो लेस देन 20 को इंफ्रासोनिक एंड ग्रेटर देन 20,000 से ज़्यादा उसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। ओके, देन हम लोग बात करेंगे कि साउंड वेव्स की। तो साउंड वेव्स या फिर कोई भी वेव्स हो, उन सब में कुछ फिनोमिनन्स ऐसी होगी जो सब में सेम होगी। इस फॉर एग्जाम्पल एम्पलीट्यूड, so we know that waves are always oscillating, so if from its mean position, oscillations from its mean position, if that position is maximum, then that is called amplitude. Amplitude means maximum position in one side of mean position. Clear? After that, frequency. What is frequency? In 1 second the total number of oscillation taken by the object or particle, क्योंकि waves में particle का main role है, तो the oscillation, number of oscillation per second is called frequency. Then we are talking about periodic time. What is periodic time? तो time taken to complete one oscillation is called periodic time. Clear? आफ्टर दैट वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि वेव्स है तो कुछ मीडियम में वो अपनी वेलोसिटी से वर्क करेगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी की अगर फॉर्मूला लिखे, इनसाइड द मीडियम, अगर एयर मीडियम है तो इनसाइड द मीडियम वी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमड़ा। ये एक पर्टिकुलर मीडियम की बात की। वॉट इज एफ? एफ इज फ्रिक्वेंसी, एंड वॉट इज लेमड़ा? लेमड़ा इज वेव लेंथ। नाउ वॉट इज वेव लेंथ? So the distance traveled by waves per unit time is called wavelength. मतलब कि we know that whenever waves are like this, ये मैं एक ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल लूंगा। तो ट्रांसवर्स वेव कैसी होगी? कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो the length between two crest, that is called our lambda, and we are call it as wavelength. So the distance between two crest or the distance between two consecutive trough, ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो crest के बीच का, मतलब consecutive crest के बीच का, दोनों पहला crest है उसके बाद जो दूसरा crest है उन दोनों के बीच का distance, और ये जो trough है तो पहला ट्रफ और उसके बाद वाला जो ट्रफ है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस,
दैट इज अवर वेवलेंथ. क्लियर? वेवलेंथ तो वन टाइप ऑफ लेंथ, दैट्स व्हाई इट्स यूनिट इज इन मीटर. क्लियर? ओके. देन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ पीरियडिक टाइम. क्लियर? फ्रीक्वेंसी की आगे हमने डेफिनेशन पढ़ी कि फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके. सो वी एफ इज इक्वल टू 1/T. ओके. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वेव्स, व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल. फर्स्ट इज मैकेनिकल. तो इफ वेव्स फॉर दैट ऑसिलेशंस रिक्वायर्स अ मीडियम, उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल. मैकेनिकल में मीडियम का रिक्वायरमेंट ऑलवेज होगा. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन मैकेनिकल, तो उससे टोटली डिफरेंट, कोई मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाला. क्लियर? तो मैकेनिकल में देर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिकल में भी क्लासिफिकेशन है. पहले मैं लिख लेता हूँ मैकेनिकल वेव्स एंड सेकेंड वन इज नॉन मैकेनिकल वेव्स. हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के बारे में थोड़ा डीपली जाने वाले हैं. नॉन मैकेनिकल अभी हमारे सिलेबस में नहीं. तो मैकेनिकल वेव्स, उसमें मैंने क्लासिफिकेशन बोला, उसमें भी दो क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स वेव. ओके. फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव. कौन से वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज दैट द पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. मतलब कि मैं अगर ड्रॉ करूं तो जो पार्टिकल होगा उसका ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाएगा. मतलब कि ये ऑसिलेशन हुए यहां पर. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रोपेगेशन मतलब इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है जो वेव्स है हमारा, तो उसी डायरेक्शन में हमें उसके ऑसिलेशंस मिलेंगे. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव रेयर फैक्शन और दूसरा जो हमारा कंप्रेस है उससे वो आगे बढ़ता है. क्लियर? सो दो क्वांटिटीज से वो आगे बढ़ रहा है. तो इन द डायरेक्शन वी गेटिंग ऑसिलेशन. क्लियर? सो फॉर ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव हैव ऑसिलेशंस कंप्लीटली नॉर्मल टू द प्रोपेगेटिंग वेव. कैसा होगा? मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया था. तो उसके ऑसिलेशन प्रोपेगेशन जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, बट हमारा जो ऑसिलेशन मिल रहा है दैट इज टोटली परपेंडिकुलर, ऊपर नीचे मिल रहा है. तो दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन डायरेक्शन. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. क्लियर? तो ये दो टाइप्स थे हमारे, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. ओके. आफ्टर दैट अगर हम लोग कोई गैस के पार्टिकल के वेलोसिटी की बात करें, कि सपोज कि एक मैंने गैस कंटेनर भरा हुआ है गैस से, और उसके अंदर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द वेलोसिटी फॉर दैट पार्टिकल इनसाइड द कंटेनर, तो उसकी वेलोसिटी की फॉर्मूला अगर लिखने जाऊं तो दैट इज वी इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी अपॉन डेंसिटी. तो इस इक्वेशन से हम लोग उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करने वाले हैं. नाउ व्हाट आर द टर्म्स इनसाइड दिस फॉर्मूला? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गैमा, गैमा वी नो दैट इट इज रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी. सीपी एंड सीवी we will discuss in our next topics. Then pressure inside the gas container. Clear? We know that. And D is the density, कि जो gas हमने अंदर भरा हुआ है उसकी density क्या है. So the velocity of particle inside the container, that is V is equal to under root gamma P upon D. तो इस equation से हम लोग velocity find करेंगे that particle की. फिर दूसरी चीज़,
जब कभी भी हम लोग कोई स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं, हमने बहुत बार किया है कि हम लोग कोई चद्दर होगी तो उसको हम लोग डिस्टर्ब करते हैं और फिर उसको उसमें से जो पार्टिकल्स है, जो डस्ट है, उसको निकालते हैं। तो डिस्टर्ब करने से क्या होगा, वेव फॉर्म्स होता है। तो जो वेव फॉर्म हुआ तब उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसकी फॉर्मूला वी इज इक्वल टू अंडर रूट, इसमें आएगा टी अपॉन एम, क्योंकि जब कभी भी हम लोग उसको डिस्टर्ब करेंगे स्ट्रिंग को, तब उसमें टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि सब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्शन से टेंशन क्रिएट होगा और टेंशन पर यूनिट मास अंडर रूट ऑफ दैट इज गिव्स अस वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल्स इनसाइड दैट स्ट्रिंग। क्लियर? तो ये हो गई उसकी वेलोसिटी की फॉर्मूला। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि जो साउंड वेव्स आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम दी लाइट वेव्स। व्हाई? बिकॉज लाइट वेव्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइक एक्सरे, गामा रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो लाइट रेज आर ऑलवेज ट्रांसवर्स, क्यों? क्योंकि लाइट रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। सो दैट्स वाई यहाँ पर भी हमने बोला था कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। तो ट्रांसवर्स वेव वहाँ पर परपेंडिकुलर के कारण, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब कभी भी वी नो दैट जब कभी भी बिजली कड़कती है तो पहले हमें लाइटनिंग सुनाई देती है, पहले हमें लाइटनिंग सॉरी दिखाई देती है, फिर उसकी साउंड सुनाई देती है। तो ऑलवेज जो लाइट वेव है उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, साउंड वेव की स्पीड हमेशा कम होगी। दूसरी बात कि हमारा जो सन है उस पे भी बहुत सारे आवाज़ आती है अभी भी, बट हम सुन नहीं पाते, क्योंकि साउंड वेव्स को प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, बट लाइट वेव को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। सो ये सब पॉइंट्स हम लोग उसके डिफरेंशिएट में पढ़ने वाले हैं, लाइट वेव्स वर्सेस साउंड वेव्स। क्लियर? सो वो डिफरेंशिएशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, वो टॉपिक बहुत ही छोटा रहेगा तो उसका वीडियो भी छोटा बनेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, दैट्स अवर साउंड वेव्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो लेक्चर टिल दी एंड, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू वेरी मच।